जय हिंद। देखिए, आज जो है हम PSIR का एक और क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो, 1980 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इज देयर अ केस फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द प्रेसिडेंशियल, देखो कुछ टर्म को ध्यान देना, प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। इज देयर अ केस फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द प्रेसिडेंशियल फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, यहां भारत की बात कही गई है। अब भारत में आप जान लो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है। लेकिन वही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, भारत में आप लोग चुनाव जब होता है तो हम लोग संसद को चुनते हैं ना, ठीक है, और संसद मिलकर या फिर संसद के से ही जो है एक कोई प्रधानमंत्री होते हैं। अमेरिका में जो है लोग वहां राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति तो भारत में भी चुने जाते हैं, भारत के भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति नॉमिनल हेड हैं। जो रियल पावर है, जो रियल कह सकते हो शक्ति है, वह प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन अमेरिका में वो जो है कह सकते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे अभी जो बाइडेन है, उनके हाथों में पूरी शक्ति है या सत्ता का केंद्र वही है। तो क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट डायरेक्ट चुने जाते हैं और वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां का जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते, लेकिन भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह विधायिका के प्रति उनकी उत्तरदायी होती है और वह जाके संसद में तमाम जो है लेजिस्लेचर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब है सबसे बड़ी बात यहां ये कि जब भारत आजाद हो रहा था या फिर आजादी के उपरांत जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस दौरान जो है संविधान निर्माताओं के मध्य में यह बहुत ही कह सकते हो विचार विमर्श, डिबेट, डिस्कशन हुआ कि आखिर भारत कौन सी प्रणाली को अडॉप्ट करे, ठीक है, कौन सी प्रणाली को भारत में अडॉप्ट करे, संसदीय प्रणाली या फिर जो है प्रेसिडेंशियलशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियलशिप, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भारत को अडॉप्ट करना चाहिए। तो क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और भारत का संविधान भले ही 1947 कह सकते हो कि 47 के बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनकर बैठाकर जो है उसका निर्माण कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा संविधान का इवोल्यूशन एक प्रकार से हुआ है। चाहे जितने भी चार्टर्ड एक्ट आए, पिट्स इंडिया एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, तो ऐसे कई एक प्रावधान उसमें जो इंक्लूड किए गए थे। तो क्योंकि उस शासन प्रणाली और उस शासन व्यवस्था से पूरा का पूरा भारतीय समाज, भारतीय प्रशासनिक और प्रशासन की सेवा जो है से हम परिचित थे, तो इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं को लगा कि क्यों ना हम जो है संसदीय जो प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसे सिस्टम को हम अडॉप्ट करें ताकि हम शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकें, ठीक है। तो देखो, अब प्रश्न उठता है, यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या अब भारत में संसदीय प्रणाली को छोड़कर क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, या क्या अब भारत को यह समय आ गया है कि अब विचार करना चाहिए कि भारत को जो है अब जो है संसदीय प्रणाली से जो है हटकर अब जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये विचार विमर्श हैं, इस पर जो है कई एक कमीशन वगैरह भी बैठाए गए हैं, जब हम लोग डिटेल आंसर राइटिंग करेंगे उसके बाद हम लोग समझेंगे। लेकिन मोर और लेस मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे कई बार विचार विमर्श किए जाते हैं, कई बार जो है यह जो है कह सकते हो कमीशन और आयोग का गठन किया जाता है इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए। तो दो उपरांत उसके बाद जो है यह निष्कर्ष, एक बार कमीशन बैठाया गया तो उसके बाद निकला कि नहीं, जिस सिस्टम और जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अभी हम हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एज इट इज़, उसी को जो है सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। ये व्यवस्था भारत के लिए जो है कह सकते हो या भारत की प्रकृति के लिए उत्तम है, ठीक है।
क्योंकि हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ जो है कह सकते हो मेरिट और डिमेरिट होता है, ठीक है। एक बात आप जान लो, कोई भी जो है ना यहाँ खरा सोने का सिक्का नहीं है, सब में कुछ खामियाँ होती हैं, सब में कुछ अच्छाई भी होती हैं, ठीक है। कई बार कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा तो हो सकता है कि डिक्टेटरशिप आ जाए, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी लेजिस्लेचर के प्रति। तो जैसा भारत की सामाजिक परिवेश है, सोशियो इकोनॉमिक या फिर भारत की जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसके लिए जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही सुटेबल है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार से इसके आंसर दे सकते हैं, आइदर यू आर इन द फेवर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यू आर इन द फेवर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यू मे पुट सम पॉइंट रिलेटेड टू योर आर्गूमेंट, इट्स दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।